परमाणु ऊर्जा विज्ञान के विश्व की इस अनोखी खोज ने काफ़ी नए आयाम हासिल किए हैं और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भी इस दौड़ में कभी भी पीछे नहीं रहा है। हाल ही में काकरापार में मिली सफलता इसका जीता जागता सबूत है और आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे इस सफलता के बारे में और बात करेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की। गुजरात के व्यारा के समीप स्थित काकरापार भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के दो परमाणु रिएक्टर है जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। यह रिएक्टर 90 के दशक से कार्यरत है। इस रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम के उपयोग से ऊर्जा का उत्पादन होता है। 22 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को जानकारी दी कि काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत नवनिर्मित तीसरे 700 मेगावाट के पावर प्लांट ने क्रिटिकालिटी हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री ने इसे मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण बताया। 700 मेगावाट का यह संयंत्र अब तक का स्वदेश में निर्मित सबसे ज्यादा ऊर्जा क्षमता वाला रिएक्टर है। इस रिएक्टर का निर्माण उच्चतम सुरक्षा तकनीक और डिजाइन के आधार पर किया गया है। यह देश का 23वां न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। धीरे धीरे ऊर्जा उत्पादन बढ़ाते हुए उत्पादित बिजली को पश्चिमी बिजली ग्रिड से जोड़ा जाएगा। तो आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारा काकरापार यूनिट 3 का जो 700 मेगावाट का रिएक्टर है वो आज अपना चेन रिएक्शन होके हमने टेस्ट कर रहे हैं और उसको क्रिटिकल हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही अच्छी तरह से हमने उसमें देखा हुआ है। ये 700 मेगावाट का जो अपना भारत का न्यूक्लियर का PHWR का सबसे पहला यूनिट है और ये जो है हमारा तारापुर का 500 मेगावाट का जो रिएक्टर है उसी तरीके का रिएक्टर है, मगर हमारे DAE के इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने उसको तो थोड़ा डिजाइन चेंज करके 500 मेगावाट से 700 मेगावाट करके उसको बनाया है। इससे पहले भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाला स्वदेशी रिएक्टर महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित था जिसकी क्षमता 540 मेगावाट की थी। काकरापार यूनिट 3 के बाद काकरापार में एक और 700 मेगावाट का संयंत्र निर्मित होगा। साथ ही राजस्थान के रावतभाटा में भी इतनी ही क्षमता के दो और रिएक्टर निर्मित हो रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि परमाणु विखंडन से पैदा होने वाले न्यूट्रॉन की गति ऊर्जा को नियंत्रित करना और ऊष्मा और दाब का संतुलन बनाए रखना किसी भी रिएक्टर के निर्माण में चुनौतियों से भरा रहता है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर सुरक्षा की दृष्टि से भी ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। इसमें पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम, हाइड्रोजन रिकम्बाइनर्स जैसे लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स है जो रिएक्टर को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाते हैं। इन रिएक्टरों में सुरक्षा मानकों का काफ़ी ख्याल रखा गया है। स्वदेशी रिएक्टर निर्माण की तकनीक भविष्य में 700 मेगावाट से ज़्यादा क्षमता वाले रिएक्टरों के निर्माण का रास्ता खोल देगी। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आज़ादी बाद से ही शांतिपूर्ण ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध था। आज़ादी के 70 सालों की यात्रा में भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों में विभाजित है जिसका पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का चरण है। इस प्रक्रिया में हमें प्लूटोनियम की प्राप्ति होगी जो कि दूसरे चरण में बनने वाले रिएक्टर का ईंधन बनेगा। इस चरण में बनने वाले रिएक्टरों को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाएगा। भाविनी के नाम से जानी जाने वाली भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इस चरण को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल तमिलनाडु के कल्पक्कम में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण हो रहा है। तीसरे चरण में दूसरे चरण से प्राप्त फ्यूल और थोरियम का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार कम है लेकिन थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है। भारत के चरणबद्ध परमाणु कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया गया है कि न सिर्फ तकनीक लेकिन ईंधन के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बनके अपने पैरों पर खड़ा रह सके। अभी हमारी परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट के करीब है जो 2031 तक बढ़ के 22480 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है। आज जब हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें ज़्यादातर कोयला आधारित बिजली से पूरी हो रही है, वही आने वाले दिनों में बढ़ती आबादी और ऊर्जा खपत के चलते ऊर्जा के नए विकल्पों के बारे में सोचना आज की अनिवार्यता है।
सौर और पवन ऊर्जा जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के साथ साथ परमाणु ऊर्जा जैसे विकल्प भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली ऊर्जा खपत के चलते प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के लिए कारगर साबित होगी। काकरापार में मिली सफलता वर्तमान की आशाओं को तो उड़ान देती ही है, साथ ही आने वाले कल के सपनों को भी उम्मीद की नई रोशनी देगी। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम में बहुत बड़ी सिद्धि हासिल करी है। काकरापार पावर स्टेशन के यूनिट 3 ने क्रिटिकालिटी हासिल कर ली है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि संपूर्णतः स्वदेश में निर्मित है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है हमारा। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे NPCIL के CMD श्री SK शर्मा जी से और जानेंगे कि क्या है इसकी महत्ता, क्या है इसकी वैज्ञानिक उपलब्धि और कैसे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो SK शर्मा जी, आपका दूरदर्शन में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो थर्ड यूनिट है, जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि गुजरात में स्थित है, उसने क्रिटिकालिटी अचीव कर ली है और बहुत सुर्खियों में भी रहा। कृपया हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि इसका मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं और पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम अपने आप को इस उपलब्धि के जरिए कहाँ पर रख रहे हैं। देखिए परमार साहब, ये उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, ये 700 मेगावाट की प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की पहली इकाई है जिसको क्रिटिकल किया गया है, जिसने क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। और ये 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जैसा आपने स्वयं कहा, पूर्णतः स्वदेशी है। इनकी डिजाइन हमारे इंजीनियर्स ने की है। इनके लिए जो उपकरण हैं वो भारतीय कारखानों में तैयार हुए हैं और भारतीय निर्माण कंपनियों ने इसका निर्माण किया है, तो इसलिए ये उपलब्धि थोड़ी सी अधिक हमें संतोष देती है। और अपनी तरह का ये पहला रिएक्टर है और इसके बाद में इस तरह के 16 और रिएक्टर बनने वाले हैं, तो इसलिए ये, अगर ये कहा जाए कि इस तरह के रिएक्टरों की एक श्रृंखला का पुरोगामी है, यानी पथ प्रदर्शक है, तो इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और जहाँ तक क्रिटिकलिटी का सवाल है कि क्रिटिकलिटी को क्यों महत्व दिया जाए, तो मैं इसको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी बिजली घर में बिजली बनाने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है और नाभिकीय विद्युत गृह में जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उनमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन किया जाता है। और ये परमाणु विखंडन की जो प्रक्रिया है ये रिएक्टर के अंदर होती है। तो जब फ्यूल लोड कर देने के बाद में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो जैसा आप जानते हैं कि एक परमाणु का विखंडन होने पर दो या उससे ज़्यादा छोटे छोटे कम भार वाले परमाणु पैदा होते हैं और साथ में कुछ और न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं। और इन न्यूट्रॉन्स में से अगर एक, कम से कम एक न्यूट्रॉन अगला विखंडन कर सके तो एक श्रृंखला की शुरुआत होती है, जिसे हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। और जब हर एक विखंडन में से एक न्यूट्रॉन अगला विखंडन करने लगता है तो हम बोलते हैं कि रिएक्टर क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि अब श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी जी और नियंत्रण में रहेगी, क्योंकि जो विखंडन की गति है वो वही रहने वाली है, क्योंकि हर एक विखंडन से एक और विखंडन हो रहा है जी। तो इसलिए, और ये यही बिजली बनाने के लिए रिएक्टर का क्रिटिकल होना अनिवार्य होता है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि ये स्वदेश में निर्मित एक रिएक्टर है, तो सबसे पहली बात कि इसको बनाने में या इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न करने में कैसी चुनौतियाँ होती है? कोई भी परमाणु विद्युत केंद्र एक बहुत ही जटिल संयंत्र होता है। इससे पहले हम 220 मेगावाट क्षमता के न्यूक्लियर रिएक्टर्स परमाणु विद्युत केंद्रों का वो बनाया करते थे। उसके बाद हमने इसको बढ़ा के 540 मेगावाट तक ले गए। 540 मेगावाट के दो हमने परमाणु विद्युत केंद्र बनाए थे, लेकिन अब जो 700 मेगावाट पर इसको बढ़ाया गया है, ये इसका सही स्तर है और समुचित उपयोग है। तो जो स्केल का एक बेनिफिट होता है, एक फायदा होता है, बड़े बड़े काम करने से लागत कम होती है, तो ये 700 मेगावाट पे जब हम पहुँचे हैं तो हम सही जगह पहुंच गए हैं और अब हम इस तरह के रिएक्टरों की एक पूरी श्रृंखला तैयार करेंगे। इस तरह के रिएक्टर जो 700 मेगावाट के बड़े रिएक्टर हैं, इनका सिर्फ डिजाइन ही चुनौतीपूर्ण नहीं है, इनको बनाना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारतीय कारखानों में
जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, इन इनमें इस साइज के और न्यूक्लियर क्वालिटी के यानी इस गुणवत्ता के उपकरणों का पहली बार निर्माण हो रहा था, तो वो भी सीख रहे थे, उन्होंने भी अपनी क्षमता वृद्धि की, उन्होंने भी अपने 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 यहाँ नए संसाधनों को उत्पन्न किया, और साथ ही जो हमारी निर्माण कंपनियां हैं उन्होंने भी इस तरह के इतने बड़े स्तर के इतने इस गुणवत्ता के जो ढांचे हैं या और जो दूसरे जो हम स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स और सिस्टम्स बोलते हैं उनका निर्माण पहले कभी नहीं किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रयास में न सिर्फ NPCIL सीख रहा था और NPCIL आगे बढ़ रहा था, हमारे जो हमारे उपकरण निर्माता हैं और जो हमारी निर्माण कंपनियां हैं वो सब भी हमारे साथ थी, और ये एक समेकित प्रयास था। सही मायनों में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जनरली जब हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, लोगों के दिमाग में सिर्फ या नागासाकी या हिरोशिमा या अभी एक नया नाम फुकुशिमा भी जुड़ चुका है, तो ऐसे ही नाम आते हैं, एक डर का माहौल सबके दिमाग में रहता है। तो क्या फ़र्क है एक जब एक इस तरह से एक बम बनता है या जब या फिर हमारे में एनर्जी बनती है, तो लोगों में से ये डर कैसे दूर किया जाए? अगर इसकी आप स्पष्टता कर दे या उसका एक वैज्ञानिक अगर एक आधार दे तो लोगों के दिमाग में भी इसका भय निकल सकता है। जी जी, मैं थोड़ी देर पहले आपको जब क्रिटिकलिटी बता रहा था तो मैंने बताया था कि हर एक विखंडन से जब एक न्यूट्रॉन अगला विखंडन करता है तब हम कहते हैं रिएक्टर क्रिटिकल है, और उस वक्त श्रृंखला चालू रहती है, अनवरत चालू रहती है, लेकिन वो श्रृंखला दर, विखंडन की जो दर है वो स्थिर रहती है। एटम बम में क्या है, एक से ज्यादा न्यूट्रॉन अगला विखंडन करती है, हर एक विखंडन से के बाद में दो या उससे अधिक न्यूट्रॉन अगले विखंडन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि विखंडन की दर बढ़ने लगती है और वो बहुत तेजी से बढ़ती है, श्रृंखला अनियंत्रित हो जाती है जी। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है बहुत ज्यादा होती है जो कि विस्फोटक का रूप ले लेती है। ये है परमाणु बम, जिसमें कि विखंडन की प्रक्रिया को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है जानबूझकर जी। जब परमाणु रिएक्टर में उसको नियंत्रण में रखने की तमाम व्यवस्थाएं की जाती है, कई प्रणालियों की स्थापना की जाती है जी। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है, हालांकि दोनों में ही विखंडन होता है परमाणु का, लेकिन आगे की सारी प्रक्रिया दोनों में अलग है, और इसलिए इसकी तुलना परमाणु बम से करना तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा जी। और जहां तक फुकुशिमा का प्रश्न है, फुकुशिमा में जो हुआ था उसके कई कारण थे, अगर हम उन कारणों को यहाँ अगर उन पर चर्चा करने लगेंगे तो समय भी कम पड़ जाएगा और शायद ये उचित भी नहीं होगा जी सर। मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस तरह का एक्सीडेंट, उस तरह की दुर्घटना हमारे रिएक्टरों में नहीं हो सकती है। फुकुशिमा एक्सीडेंट के बाद हमने ही नहीं पूरे विश्व ने उस एक्सीडेंट के, उस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच पड़ताल की थी, और उस जांच पड़ताल के जो निष्कर्ष थे वो आपस में साझा भी किए थे। इस तरह से जो एक सर्वमान्य समझ बनी थी उससे जो हमें सीखने को मिला, उस सीख को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने सभी रिएक्टरों की सभी रिएक्टरों को रिव्यू किया, उनकी समीक्षा की, और जहाँ जरूरत थी वहाँ और ज़्यादा उनको सुदृढ़ किया, उनकी सुरक्षा प्रणालियों को और ज़्यादा सुदृढ़ किया। यही इस रिएक्टर में भी किया जो कि उस वक्त निर्माणाधीन था, तो इसलिए उस तरह की कोई दुर्घटना हमारे किसी भी रिएक्टर में जी, सिर्फ काकरापार 3 में ही नहीं, और भी जो दूसरे रिएक्टर 22 रिएक्टर हमारे चल रहे हैं उनमें से किसी में उस तरह की दुर्घटना नहीं हो सकती। वैसे भी ये तकनीक अलग है, वो तकनीक अलग है, ये तकनीक अलग है जी। सर, अगर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो ये तो बहुत लंबी यात्रा रही है, आज़ादी के बाद हम इसमें जुटे पड़े हैं। अगर 3 स्टेज की हम बात करें कि सबसे पहला ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर स्टेज, उसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसके बाद थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की अगर बात करें, तो 3 चरणों में पूरी हमारी यात्रा होने वाली है। तो भारत की न्यूक्लियर यात्रा अगर देखें तो एक रणनीति के हिसाब से हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं,
और कितनी यात्रा और हमें इसमें आगे करनी है, आपका क्या कहना है इसके बारे में सर? आपने अभी ठीक बताया कि भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो तीन चरणों में विभाजित है। पहला, हमने पहले चरण में जो तकनीकी महारत है वो हासिल कर ली है और अब हम तीव्र गति से विकास के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरा चरण होगा जिसमें कि पहले चरण में के रिएक्टरों से उत्पादित प्लूटोनियम के पर आधारित ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी। ब्रीडर रिएक्टरों की विशेषता ये होती है कि ये बिजली बनाने के साथ साथ जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसका भी निर्माण करते हैं और जितना जितनी ईंधन की इनमें खपत होती है उससे ज़्यादा ईंधन का निर्माण करते हैं। और उस दूसरे चरण के बाद में हम जाएंगे थोरियम के उपयोग पर, थोरियम जो कि हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि प्रथम चरण में हम अब तीव्र प्रकाश के दौर में पहुंच रहे हैं, दूसरे चरण के लिए तकनीक को जांचने परखने के लिए हमने एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का कल्पकम में स्थापित किया है। एनपीसीएल नहीं कर रहा है उस काम को, हमारी एक दूसरी साथी कंपनी है भाविनी, वो उस काम को कर रही है और वो रिएक्टर अभी कमीशनिंग में है। तीसरे चरण की जब कि हम थोरियम पे जाएंगे उसके लिए जो जरूरी तकनीक है उनके ऊपर अनुसंधान का काम शुरू हो चुका है और मैं समझता हूँ इन दोनों में ही हम विश्व के अग्रणी देशों में हैं। सर बहुत सही बात कही, लेकिन सर एक 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 मत ऐसा भी है कि जहाँ पे ये कहा जा रहा है जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है उसमें सोलर और विंग एनर्जी को भी एक तरजीह देने की एक बात हो रही है और कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को शायद नकारा भी जा रहा है। तो जो ऊर्जा का जो भविष्य है, जो ऊर्जा सुरक्षा या एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें खासतौर पर भारत के संदर्भ में, तो न्यूक्लियर एनर्जी का क्या स्थान है और इसका जो सोलर और विंग एनर्जी जैसे जो और भी सोर्स है, स्रोत है, उससे आप इसकी तुलना कैसे करते हैं सर? ये सच है कि कुछ देशों के अपनी जरूरतों को देखते हुए, उनकी जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया है कि उनको आप न्यूक्लियर एनर्जी की नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हर देश का अपना फैसला होता है और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ये फैसला लिया जाता है। इसलिए आपने बहुत सही कहा कि भारत के संदर्भ में, क्योंकि अगर एक दो देश ऐसे हैं जिन्होंने अब न्यूक्लियर पावर की जरूरत नहीं समझी है तो ऐसे बहुत सारे हैं जो नए सिरे से इस ऊर्जा के उपयोग में उपयोग करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो नए देश हैं जिनमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं। अब भारत के संदर्भ में आए तो जो अक्षय ऊर्जा स्रोत है, जो जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनको इनका स्वागत होना ही चाहिए, ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं और मैं स्वयं इनका हिमायती हूँ, इनका इस्तेमाल करने का, इनका प्रयोग करने का मैं हिमायती हूँ। लेकिन इनके प्रयोग को बढ़ावा देने में और न्यूक्लियर एनर्जी के प्रयोग में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि आप इसको ऐसे देखें कि जो हमारी बिजली की ग्रिड होती है, ग्रिड की स्थिरता के लिए इसमें दो तरह की बिजली की आवश्यकता होती है, एक होती है बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है पीक लोड इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूक्लियर एनर्जी, हम बेस लोड के क्षेत्र में आते हैं, हम बेस लोड बिजली की जरूरत पूरी करते हैं और बेस लोड की जरूरत पूरी करने के लिए दो ही साधन इस वक्त उपलब्ध हैं, या तो कोयले पर आधारित बिजली घर और या न्यूक्लियर पावर स्टेशन, नाभिकीय विद्युत घर। कुछ हद तक जो पनबिजली घर है वो भी बेस लोड का काम कर सकते हैं, लेकिन पनबिजली घर तो पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए बेस लोड की जरूरत पूरी करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा की प्रासंगिकता बनी रहेगी और अभी हमारी ग्रिड में जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे आने वाली बिजली की मात्रा, उनका अंश अभी कम है और इसलिए ये सही समय है जब उनके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है, NPCIL है, उसके इमीडिएट और लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल्स क्या है, तत्कालीन और दीर्घकालीन जो आपके लक्ष्य है वो अभी क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं या क्या भारत को भेंट मिल सकती है NPCIL के द्वारा? इस वक्त हम
हमारी जो कुल स्थापित क्षमता है वो 6780 मेगावाट है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विस्तार कार्यक्रम है उसको मैं तीन हिस्सों में बांटकर बताना चाहूँगा। फिलहाल हम 4800 मेगावाट क्षमता के 6 रिएक्टरों का निर्माण कर रहे हैं जो कि निर्माण के अग्रिम चरण में, अग्रिम अवस्था में, और ये 6 रिएक्टर हम खत्म बना के तैयार करेंगे सन 2024 तक। और उसके अलावा 4 और रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता है 3400 मेगावाट। इन 4 रिएक्टरों पर के निर्माण का काम शुरू करने का वक्त आ गया है, हम पूरी तरह तैयार हो गए हैं, जगह तैयार है, साइट तैयार है और एक्सकेवेशन भी हो गया यानी खुदाई का काम भी पूरा हो गया है, अब विधिवत निर्माण शुरू होने ही वाला है। तो इन 4 और रिएक्टरों को भी अगले 6 वर्ष में पूरा कर दिया जाए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 6 वर्ष के बाद में हमारी जो क्षमता होगी वो 14980 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने हमको 10 और 700 मेगावाट क्षमता की रिएक्टरों के को स्थापित करने का, निर्माण करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय अनुमति दे दी है। और उन रिएक्टरों की स्थापना पर भी जो परियोजना पूर्व गतिविधियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जल्दी ही हम उन्हें भी एक के बाद एक क्रमशः एक फ्लीट मोड में उनको भी उनका भी निर्माण शुरू करेंगे जी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 2031 तक देश में परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता 21980 मेगावाट हो जाएगी, सिर्फ NPCIL से, सिर्फ पहले चरण से। दूसरा चरण जिसको भावी नहीं कर रहा है वहां से कुछ क्षमता और स्थापित की जाएगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम NPCIL के द्वारा किया जा रहा है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसने विश्व में कई रिकॉर्ड्स भी स्थापित किए हैं और बहुत अच्छे कीर्तिमान भी बनाया है, तो क्या है वो कीर्तिमान, किस तरह से भारत का परमाणु कार्यक्रम या भारत की परमाणु क्षमता है जो बहुत ही अनोखे तरीके से अपना काम कर रही है और कोरोना काल में भी उसने अपना काम किया है, तो सर उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है मैं समझता हूँ अब वो पूर्णतः स्वदेशी आधार पर विकसित हो चुका है। हम जो भी करते हैं अपनी खुद की स्वदेशी क्षमताओं के आधार पर करते हैं, और ये संतोष की बात है कि हमारे एक रिएक्टर ने कर्नाटक में काइगा जनरेटिंग स्टेशन है उसकी पहली इकाई ने 962 दिन तक सतत प्रचालन कर विश्व कीर्तिमान की स्थापना की। इतने समय तक लगातार कोई और रिएक्टर अभी तक कहीं भी नहीं चला है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो तारापुर में हमारी 2 इकाइयां हैं, तारापुर इकाई 1 और इकाई 2, जो 50 साल से अधिक समय से सुरक्षित प्रचालन कर रही हैं और सस्ती दर पर बिजली का उत्पादन कर रही हैं। ये एक दूसरी उपलब्धि है। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं और इतने समय से इकाइयाँ प्रचालनरत हैं। और इस तरह के और कई कई चीज़ें हैं, ऐसे कई काम हैं, कई कई ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो हमें संतोष से भरती हैं, संतोष देती हैं, परंतु साथ ही हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। सर, आपसे इसी नोट पे आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भारत का जो युवा है, भारत का युवा जो इस कार्यक्रम में, भारत के परमाणु कार्यक्रम में, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक अपनी भागीदारी देना चाहता है, हिस्सेदारी लेना चाहता है या उस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए सर क्या क्या विकल्प है, कैसे भारत का युवा न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है? सर जी, सबसे पहले तो मैं मेरे युवा साथियों से ये कहूँगा कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन या उसमें मौजूद रेडियोधर्मिता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये पूरी तरह सुरक्षित संयंत्र है और ये अनायास नहीं है, इसके कारण है। किसी भी संयंत्र की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए 2 आधारभूत स्तंभ होते हैं। पहले हैं तकनीकी संरक्षा प्रणालियाँ और दूसरा है कार्य संस्कृति। तो हमारे इन रिएक्टरों में जो तकनीकी संरक्षा प्रणाली है वो बहुस्तरीय है। एक तरह से इसको ऐसे समझिए कि ये चक्रव्यूह की तरह है, जैसे चक्रव्यूह में
किसी आक्रमणकारी सेना को राजा तक पहुंचने के लिए या सेनापति तक पहुंचने के लिए 7 चक्रों को तोड़ना पड़ता है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी, हमारे रिएक्टर में भी जो फ्यूल में रेडियोधर्मिता मौजूद है उसको बाहर निकल के जनता तक पहुंचने के लिए 7 अवरोधों को पार करना होता है, और इन 7ों अवरोधों को सुदृढ़ बनाने के लिए, इनकी इनकी इन, 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 इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बृहद और विशद संरक्षा प्रणालियों की व्यवस्था की गई है। तो और जहाँ तक हमारी कार्य संस्कृति का सवाल है, हमारी कार्य संस्कृति छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने, छोटे छोटे संकेतों को पहचानने और उनका समुचित निदान करने पर जोर देती है। हमारी ये जो कार्य संस्कृति है गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है और साथ ही संरक्षा संरक्षा से संबंधित विषयों को सर्वोपरि प्राथमिकता देती है। हम सब लोग ये मानते हैं कि संरक्षा और उत्पादन में कोई विरोधाभास नहीं है जी। जो संरक्षित संरक्षित रिएक्टर है, संरक्षित संयंत्र है, वही बहुत वही अच्छा उत्पादन भी देता है जी। तो इस कार्य संस्कृति के चलते और जो तकनीकी व्यवस्थाएं की हुई हैं उनके चलते इन संरक्षित संयंत्रों से डरने की या इनमें काम करने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह सुरक्षित है और जो मित्र विज्ञान में या तकनीक में और उस तकनीकी में और उसमें भी नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो दिलचस्पी रखते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो जरूर अपनी इस दिलचस्पी को आगे बढ़ाएं। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें जो न सिर्फ एक अच्छा आजीविका का साधन बन सकता है या बनता है, अपितु ये आपको जिस तरह का आप काम करेंगे उससे आपको व्यावसायिक आनंद भी देगा और साथ ही कुछ अच्छा, कुछ उपयोगी, ऐसा कुछ करने का संतोष भी देगा जो कि बेहतर भविष्य के लिए हमारा योगदान होता है। इस भावना से भी एक संतोष पैदा होता है, वो संतोष भी ये काम देगा। और इसलिए अगर अगर जरा भी इस क्षेत्र में आने में दिलचस्पी है तो संकोच न करें, अपनी दिलचस्पी को आगे बढ़ाएं, ये एक अच्छा क्षेत्र है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एस के शर्मा सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ NPCIL के CMD श्री एस के शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्हें आत्मनिर्भरता से लेके भारत के ऊर्जा सफल भविष्य की जो कल्पनाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो रास्ते हैं, उसके बारे में भी हमें बहुत बातें बताई।